हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे भीलों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। और आप तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा बहुत सारा डाटा इस तरह बनाए हुए हैं। हम लोग यहाँ से सीरियल नंबर से नेम आइटम में टोटल नंबर निकाल सकते हैं वीडियो को का प्रयोग करके। तो सीरियल नंबर से निकालेंगे तो पहले हम नाम निकाल के देखते हैं नेम, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो को का प्रयोग करना है तो वीडियो को का प्रयोग करेंगे। इक्वल लगाएंगे, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल का ही प्रयोग करते हैं। अगर इक्वल का प्रयोग नहीं करेंगे कोई फार्मूला लगा लें और नहीं आए तो चलिए वीडियो का प्रयोग करते हैं। वी क्या देखिए, वी एल टी आ गया, डबल क्लिक करते हैं वीडियो को, क्लिक करके आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू इसे कहते हैं जिस चीज़ से हमें सर्च करना होता है। जैसे हम लोग सीरियल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो उसको लुकअप वैल्यू मान लेंगे, अगर डेट से हम लोग सर्च करते हैं तो उसको लुकअप वैल्यू मान लेंगे, जीएसटी नंबर से हम लोग अगर सर्च करते हैं तो जीएसटी को लुकअप वैल्यू मानते हैं, अगर नाम से सर्च करते हैं तो नाम को, जिस चीज़ से मतलब हम लोग सर्च करेंगे उसी को लुकअप वैल्यू मानेंगे। तो हम लोग सीरियल नंबर से कर रहे हैं तो इसलिए सीरियल नंबर को हम लोग लुकअप वैल्यू मानेंगे। तो इस टेबल को हम लोग कर लेते हैं और सेलेक्ट किए सीरियल नंबर है तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और फिर क्या करें, टेबल है, टेबल है की बात आएंगे तो पूरा टेबल टेबल है मतलब जितना बड़ा आपका टेबल है उस टेबल को पूरा सर्च कर देंगे। तो इस टेबल को क्या करेंगे, सर्च करो, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा दबाने के बाद अब देखिए क्या कर रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि जिस चीज़ को सर्च करके आप लाना चाहते हैं उसी को करते हैं। तो हम लोग नाम लाना चाहते हैं नेम, तो नेम को लाने के लिए तो देखेंगे किस नंबर पर, तो जहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए उसी वहीं से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 तो हम यहाँ पर 4 प्रेस करेंगे और कॉमा दबाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप मतलब कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। फिर के बाद इसको खत्म और इंटरप्रेट, देखिए यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर सीरियल नंबर जो है यहाँ पर जो सर्च बार हम लोग बनाते हैं यहाँ से सीरियल नंबर से हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए आगे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 प्रेस करते हैं तो सिकंदर सिंह, अगर 3 प्रेस करते हैं तो विकास हो रहा है। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं लुकअप वैल्यू का प्रयोग। चलिए आइटम नेम निकालते हैं तो फिर से ब्लू का कपड़े करेंगे और फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल का प्रयोग करेंगे। इक्वल आगे जी एल डबल क्लिक करके फार्मूले को लेंगे, फार्मूला आ गया। फिर कह रहा है ब्लू का प्रयोग कई बार फार्मूल फिर से टेली का प्रयोग क्या है, जहाँ पे सर्च सीरियल नंबर से सर्च करना चाहते हैं इस नंबर को हम लोग सेल को क्लिक करेंगे। E2 क्या है, E2 देखिए आ गया, कहाँ प्रेस करेंगे। क्या आइटम नेम, आइटम नेम निकालना है। फिर क्या है, टेबल है, टेबल है मतलब पूरा टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट हो गया, कहाँ प्रेस करेंगे। फिर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर किस नंबर में, जैसे नेम था 14 नंबर पर उसी तरह ये पूछ रहा है कि किस नंबर में आइटम नंबर आ रहा है, आइटम नंबर 4 6 नंबर पर
चेक करके और तो कॉमो लगाएंगे एग्जिट नाइट के लिए जीरो प्रेस करेंगे प्लीज को सीट बार प्रेस को बड़ा कर देंगे तो फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और देखिए मॉनिटर है मतलब तीसरे सीरियल नंबर में नाम विकास वर्मा है और इनका आइटम क्या करते हैं मॉनिटर और यहाँ से हम लोग वर्ड प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो दोनों चीज नाम और आइटम हम दोनों चीज देंगे ठीक है और यहाँ उसी तरह हम लोग टोटल अमाउंट क्या करेंगे फिर से हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे व्यू लुकअप प्रयोग करेंगे डबल क्लिक करके उसको फॉर्मूले को लेंगे और उनका प्रयोग मतलब जिस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं जिसे सर्च करना चाहते हैं सीरियल नंबर से लोग वहाँ प्रेस करेंगे यूट्यूब आ गया कॉमा लगाएंगे और फिर क्या करेंगे टोटल अमाउंट क्या होता है तो टोटल अमाउंट लास्ट में है इसको काउंट कर लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा नाइन तक फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे पीछे 9 10 11 12 13 नंबर जो है ठीक है थर्टी नंबर फिर हम लोग क्या करेंगे अब आता है टेबल एरर की टेबल एरर क्या है तो टेबल एरर मतलब पूरा टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे टेबल सेलेक्ट हो गया फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे थर्टी नंबर पे था टोटल अमाउंट और कलर कॉलम इंडेक्स नंबर तो कॉलम इंडेक्स में जिस चीज़ को हम सर्च करना चाहते हैं पर थर्टी नंबर पे तो थर्टी लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे जीरो प्रेस करेंगे और सीट पे वापस को बंद कर देंगे फिर इंटर प्रेस करेंगे टोटल अमाउंट पर देख लेते हैं कितना 9912 पहले पे क्या था 9912 अब देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह लोग टिकते हैं इंटर करते हैं इसी तरह हम चाहेंगे तो सारे का एडमिट हम लोग कर लेते हैं ठीक है अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को नाम लेने को तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे को शेयर करते हैं थैंक यू